हम लोग सीमेंट के घर में रहते तो हैं पेरेंट्स आ, तो नहीं मानते ना बेसिकली तो सर कार्बन कॉपी है बच्चे पेरेंट्स की कार्बन कॉपी है तो जो हमने, मैं बिलीव करेक्ट तो हमने उनका फ्रीडम छीन लिया उनको घर में बंद कर लिया राइट तो अभी उनके पास किसी भी तरह का वो स्कोप नहीं जो हमारे पास था वन सपन टाइम हमने मिट्टी में एक बहुत खेला है तो जो भी बच्चों का जो प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम नहीं है कि उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम है ये कम है वो कम है उनको वो नेचर के साथ रहने का मौका कम मिल रहा है ये प्रॉब्लम उनको वो मिट्टी के साथ खेलने का चांस कम मिल रहा है ये प्रॉब्लम और अगर टिप्स की बात करो तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या पता है देर आर देर इज नो टिप्स यूनिवर्सल टिप्स ग्राफोलॉजी जो भी टिप है ना वो व्यक्ति के स्पेसिफिक है मतलब आप बोलो कि मुझको कोई गोली सजेस्ट करो तो मैं डॉक्टर एज अ डॉक्टर आई क्या नो सजेस्ट यू दिन आई नो वॉट आर यू गोइंग थ्रू और क्या चैलेंजेस आपकी लाइफ में वो जब तक नहीं पता रहेगा तब तक हम आपको ना ये नहीं बता पाएंगे आपको है ना तो वो बहुत मुश्किल है क्योंकि हर एक की लाइफ के, के अकॉर्डिंग वो सिग्नेचर हैंडलिंग सब अलग हो जाता है हर एक का गोल क्या अकॉर्डिंग अगर साइंटिस्ट है तो अलग है तो बच्चे का क्या कैलिवर है बच्चा कौन सी चीज में अच्छा करेगा वो देख के करना पड़ेगा जो भी करना तो सर मेरे बारे में ही बता दीजिए मैं मैं अपने आप को को कैसे कैसे एटलीस्ट अपनी प्रोफेशनल लाइफ तो ज्योति जी ऐसा है चेतना जी आप ऐसा ज्योति जी जितना आपका उम्र है ठीक है उतना आपका अनुभव है उतना आपने देखा है जीवन को तो अगर मुझको आपकी खुद के ऊपर भी काम करना है आपके खुद के ऊपर तो भी मुझको उतना समय तो आपके साथ बिताना पड़ेगा ना एटलीस्ट समझना पड़ेगा कि आपकी लाइफ कैसी है

थेरेपी वी नेवर गिव यू समथिंग वीकनेस के ऊपर काम नहीं करते स्ट्रेंथ के ऊपर काम करते हैं स्ट्रेंथ के ऊपर काम करोगे कर तो आप और ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे वीकनेस के ऊपर काम करोगे तो आप uh, मतलब यू विल बी एवरेज व्हेन यू वर्क ऑन द वीकनेस बट व्हेन यू वर्क ऑन द स्ट्रेंथ यू बिकम ऑसम यस एनीवन एल्स मतलब सब्जेक्ट uh, से रिलेटेड पूछे क्वेश्चन तो और ज्यादा बेहतर होगा हाँ पायल जी बोलिए अनम्यूट करना पड़ेगा पायल जी आप सर आई हैव द सेम क्वेश्चन व्हाट ज्योति हार्ट मैं भी एक टीचर हूँ तो मैं तो प्री प्राइमरी की हूँ तो अगर मैं अभी से उनको अगर परफेक्शन में थोड़ा दिखाती हूँ

How many were there in, with you? 50. 50. तो क्या पचास के पचास लोगों का आज अगर हमने ए चेक किया तो क्या सेम रहेगा तो आपको क्या लगता है तो ये जो छोटे बच्चे होते ना वो बहता हुआ झरना है बहता हुआ झरना उसमें आप कितना भी कलर डालो वो कलरफुल नहीं दिखेगा वाटर वो हमेशा ऐसे रहेगा जब आप चौदह साल हो जाता है आपका एज है ना चौदह साल की एज में फिर आपको ये समझता है कि क्या अच्छा है मेरे लिए और क्या बुरा है मेरे लिए और वहां पे आपको वो चांस मिलता है खुद को अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अपडेट करने का अभी तो आप अगर बच्चों के ऊपर काम करना चाहते हो तो सिंपलेस्ट वे है कि या तो उनके माता पिता के ऊपर काम करो या फिर उनके एक्सपीरियंसेस के ऊपर काम करो यू शुड नॉट वर्क ऑनड्रेड मै विल हेल्प टू समझ समझे ना? या तो माता पिता ने अच्छा व्यवहार करना चाहिए या फिर उनके अनुभव में समृद्धि चाहिए दैट इज ओनली वे आप अभी से किसी भी बच्चों को कितना भी मॉडिफाई करो आज जो सिखाओगे कल कोई दूसरा कोई सिखाएगा परसों तीसरा कोई सिखाएगा एंड द पर्सन विल बी डिफरेंट तो यू कैन नॉट कंट्रोल किड्स आज हमने जो सिखाया दो दिन के बाद भूल जाते हो कुछ तो भी नया सीख लेते हैं उनका सीखने का स्पीड काफी अच्छा होता है लेकिन जिस आपको सभी को पता है अगर रिवाइज नहीं होगा तो वो भूल जाएंगे सभी चीजें तो गुड थॉट बट नॉट अ प्रैक्टिकल हाँ मैत्री जी पूछिए आपका क्या क्वेश्चन है uh, मुझे कन्विंस होना है कि ग्राफोलॉजी हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट मतलब क्या चेंज ला सकती है वेरी गुड क्वेश्चन आप में से कितने लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि मुझको कन्विंस होना है कि ग्राफोलॉजी मेरी लाइफ में क्या बदल कर सकती है हाउ मेनी ऑफ यू वॉन्ट इट कितने को लगता है पायल जी को लगता है कैन यू टाइप समथिंग जस्ट टू शो

सेकंड क्वेश्चन राइट तो ग्राफोलॉजी कुछ नहीं कर पाएगा करना किसको पड़ेगा आपको करना पड़ेगा ग्राफोलॉजी खाली आपको रास्ता दिखाएगा अब वो रास्ते पे काम चलने का काम आपको करना पड़ेगा यहाँ पे खाली आपको अवेयरनेस आएगा कि आपकी लाइफ में क्या अच्छा और क्या बुरा है क्या तकलीफें आ सकती है क्या चैलेंजेस आ सकते हैं तो ये जो सब तरीका है वो आपके सामने आपकी आईज को ओपन करने का काम ग्राफोलॉजी करेगा लेकिन चलना आपको पड़ेगा एक्शन आपको लेना पड़ेगा एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे सिर्फ एडवांटेज कि कि आपको पता है कि आप कर क्या करो आज तक आपका जो भी ग्रोथ हुआ है हुआ है उसमें यू नेवर हैड अ चांस आपको तो चॉइस ही नहीं था ना कि क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना है मैं राइटर रहा हूं आपको जो आपने जो देखा वैसे आप बन गए आज ग्राफोलॉजी आपको बताएगा कि आप ऐसे बने हो उसका रीजन ये था नाउ यू हैव अ चांस कि आपको ऐसे रहना है या बदलना है अंडरस्टू

उंड uh, uh, so okay. so, से मैं आया हूँ और जब मेरा बर्थ हुआ तो दोनों वो मिट्टी डालते हैं ना वो ऐसे रोड पे नहीं क्या गिट्टी डाला जाता है फिर उसके ऊपर रोड रोलर घूमता है तो ये दोनों वो काम करते थे डैड का स्वभाव अच्छा था काम के लिए बहुत अच्छे थे, थे तो वहाँ पे पहली बार उनको फिर वो चांस दिया उन्होंने कि वो रोड रोलर जो रहता है उसके ऊपर वो सफाई का काम करने लगे उसका क्लीनर रहता है फिर असिस्टेंट फिर उनको वो रोड रोला चलाने लगे फिर उनको स्वभाव अच्छा था तो उनके इंजीनियर ने उनको फिर गाड़ी चलाने का मौका दिया देन ही बिकम अ ड्राइवर ऑफ जीप तो तो फिर पहले ट्रक चलाते थे टिप्पर वगैरह और फिर जीप लास्ट में जब रिटायर हुए तो वो जीप चलाते थे तो ये जर्नी इनका रहा अब यहाँ पे मेरे को कुछ गाइडेंस नहीं था ना ही कॉन्फिडेंस था ना ही ऐसे पेरेंट्स देखे जिनके पास कुछ भी नहीं है ना नॉलेज है Uh, सिर्फ सिंसियरिटी है बाकी कुछ नहीं है नॉलेज नहीं है पैसा नहीं है कुछ नहीं है. तो यहाँ से जब मैं निकला तब uh, मैंने देखा कि मेरे पास भी ना काफी लैक है मतलब आई आल्सो डू नॉट हैव लॉट ऑफ नॉलेज और अवेयरनेस एंड थिंग्स इन माय लाइफ तो मेरी लाइफ में मैंने देखा जब मैंने ग्राफोलॉजी सीखा कि क्या क्या चीजें चेंज करके मेरे लाइफ में इंटेलिजेंस वन टाइम आई वॉज नॉट वेरी इंटेलिजेंट राइट मेरे तो बैक वेंचर था इंटेलिजेंट भी नहीं था तो वो इंटेलिजेंस रहना वो फास्टर लर्निंग की टेक्निक जो भी सीखू जल्दी सीखूँ जल्दी रिजल्ट दूँ वो टेक्निक मतलब बहुत सारी चीजें मैंने इम्प्लीमेंट किया मैं, अभी मैं जिस जिस क्लास में पार्टिसिपेट करता हूँ कोई भी कोच के साथ मैं तो आई एम द बेस्ट परफॉर्मर ऑल द टाइम बिकॉज आई हैव चेंज एट्रीब्यूट्स इन माय ओन है अगर आपको किसी और का टेस्टिनेल चाहिए तो दूसरे लोगों के भी टेस्टिव्यूनल्स कि जिन्होंने मतलब खुद के लाइफ ग्राफोलॉजी को यूज करके चेंज किया है ना सो so, मैं तो हुई बाकी लोग भी है ना सो ग्राफोलॉजी एक्चुअली हेल्प बट ये तभी मदद करेगा पैसे देने से काम नहीं होगा आपको काम करना पड़ेगा खुद के ऊपर हम जो आपको एक्सरसाइज देंगे हम जो आपको रेमिडीज देंगे वो आपको इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी इट्स लाइक ज्वाइनिंग अ जिम एवरी डे यू विल हैव टू वर्क ऑन दिस तो जी समझा आप लेट मी शो यू अभी मेरा जो भाई है वो एस सी महामंडल में ड्राइवर है आपको सबको पता है एस सी महामंडल क्या होता है मतलब इट्स लाइक like, uh, लाल डिब्बा जिसको बोलते हैं ना वो बस चलता है तो हमारे महाराष्ट्र में वो वैसे डिब्बा चलता है वो तो उसमें ही इज अ ड्राइवर आगे बिकॉज वो भी टेंथ uh, पास नहीं कर पाया था टेंथ में दो तीन बार फेल हुआ फिर ट्वेल्थ में भी दो तीन बार फेल हुआ और ट्वेल्थ पास नहीं दैट इज द बैकग्राउंड आई हैव But still i was able to achieve so much the reason is purely only and only graphology i have worked hard on changing my mindset using handwriting and signature so i'm going to, do to show you something just have a look and you will understand what is the potential now this is the insta mojo which i'm showing so last previous 30 days नहीं तो आपके दस बारह हजार से या नौ साढ़े नौ हजार से मुझको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा क्योंकि हमको तो हर रोज हर हफ्ते हमको ढाई लाख रुपए तो सिर्फ ग्राफोलॉजी से आता है अप्रोक्स और बाकी जो हमारे पैरल कोर्सेज चलते वहां से अलग से पाँच पांच दस लाख रुपए वहां से आता है तो यूर टेन थाउजेंड रुपीज नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज आर नॉट गोइंग टू हेल्प मी एट ऑल बट द नॉलेज विच यू आर गोइंग टू गेट बाय इन्वेस्टिंग दिस मच ऑफ मनी इज सर्टनली गोइंग टू चेंज यूअर लाइफ आप में इतना पोटेंशियल जनरेट हो सकता है कि आप इतना पैसा कमा पाओ बाय लर्निंग दीक है ये पोटेंशियल आपने हर एक में पोटेंशियल होता है

एक इंसान को साढ़े तीन लाख रुपया दिया था, दिया था। मेरे बैंक में इतना पैसा नहीं था उस समय तो मैंने कर्जा लेके पैसा दिया आदमी ने कुछ नहीं सिखाया टोटल वेस्ट आपको क्या लगता है मैंने क्या किया होगा बीवी तो बोली कि आज के बाद कभी ऐसे मतलब पैसे खर्चा मत करो किसी भी कोर्स के लिए मैं मैंने अगेन ढाई लाख रुपया किसी और कोर्स के लिए इन्वेस्ट किया वहां पर थोड़ा बहुत मिला जो काम का था उतना नहीं मिला लेकिन आदमी ने अच्छा सीखा बीवी तो पता है आपको बीविया कैसी होती है मतलब आप तो 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 खुद बीवी बीवी हो ना यू यू नो हाउ आर सो फायरिंग मुझको घरे नहीं खरीद के देती ये नहीं करके तो वहां पे पैसे के ऊपर पैसे बर्बाद कर रहे थर्ड टाइम अगेन आई स्पेंट साढ़े तीन लाख रुपया मैंने सीखने के लिए हाउ टू डू बिजनेस ऑनलाइन तो ये होता है रिस्क टेकिंग एटीट्यूड जो आदमी रिस्क लेगा वही सक्सेसफुल होगा क्या गारंटी है कि आपको ये साइंस फायदे में मतलब आपको रिजल्ट देगा नहीं देगा इवन आई डोंट हैव गारंटी क्योंकि आप काम करोगे नहीं करोगे इसका गारंटी भी मेरे पास नहीं है लेकिन अगर आपने रिस्क नहीं लिया तो क्या होगा आप जैसे थे वैसे ही रहोगे उसमें बदल नहीं होगा लेकिन अगर आपने रिस्क लिया तो देर इज अ चांस दैट यू माइट चेंज योर लाइफ थ्री डिग्री तो फर्क इतना ही है आप सभी लोग हैं मुझमें कि हम ऑलवेज रेडी टू टेक रिस्क अभी हम लोगों का ना पांच लाख पे हम लोग अटके थे जनवरी में हम लोगों का इनकम पांच लाख से आगे नहीं बढ़ रहा था पांच लाख के आगे पीछे पाँच छह लाख पाँच छह लाख पाँच छह लाख वो पिछले बारह महीने से पाँच छह लाख पे अटके थे हम लोग फाइनली आई अप्रूज वन गाय उन्होंने बोला कि अगर आप मुझको महीने का एक लाख रुपए देते हो तो मैं आपकी इनकम को डबल कर सकता हूं वट डू थिंक आई मस्ट डन महीने का अगर एक लाख रुपए मुझको दोगे तो मैं आपकी इनकम को डबल कर दूंगा अभी हम

ये रिस्क आपको जिंदगी में बार बार लेना पड़ेगा अगर आपको सच में ग्रो होना है तो यही तो राइट मार्जिन का कंसेप्ट है आर यू 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 गेटिंग इट इफ टू टू ग्रो नीड द राइट मार्जिन यही तो मैंने आपको बताया कि राइट मार्जिन नहीं लोगे रिस्क नहीं लोगे तो यू विल नेवर गेट अ कॉन्फिडेंस एंड यू विल नेवर बी अ वेरी वेरी सक्सेसफुल पर्सन मैं इतनी समझ रहा है ना मैं क्या दिशा में बात कर रहा हूं तो ये आपको

स्मॉल टाउन के हो तो मैं तो आपसे भी छोटे टाउन का हूं मैं तो गर्चुली नाम का एकदम छोटा सा शहर है उस शहर से बिलोंग करता हूं तो मतलब नक्सल नक्सलेट्स का शहर है हमारा है ना हम यहाँ पे धमकी दी जाती है अगर तुमने ज्यादा मस्ती की तो हम तुमको गढ़चुल्ली भेजेंगे तो इतना तो कहने का तात्पर्य क्या है कि डजेंट मैटर कि आपका सरकमस्टेंसेस क्या है मैटर क्या करता है कि आपको पहुंचना किधर है अगर आपका गोल डिफाइंड है लाइफ में

How many of you you you? believe that you will be able to reach all of you. तो पहुँचना तो है तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आई वॉन्ट टू चेंज माई लाइफ अगर आप फिक्स हो जाओगे इस तो दुनिया की हर एक ताकत आपको मदद करेगी मेरा aim था हजार लोग तो पहुंचना We were struggling। हम लोग सौ लोगों को सौ लोगों का टारगेट था हमारा हमको अचीव नहीं हो रहा था हम लोग तीस चालीस लोगों को ही क्लोज uh, कर पा रहे थे सिंगल तो हमको हमको कोई और मिल गया फिर दिमाग में था हजार लोग मैं था कि कैसे पूछू कैसे पूछू भगवान मुझको कुछ रास्ता दो तो मुझको ऐसी टीम मिल गई कि जो मुझको हफ्ते के ट्वेंटी है तो वी आर क्रॉसिंग द हंड्रेड लिमिट एवरी सिंगल मंथ तो एक साल के अंदर हजार लोग तो हो ही जाएंगे अभी रहा रहा हूं। तो आपका गोल अगर फिक्स नहीं है तो दुनिया की हर एक चीज आपके लिए प्रॉब्लम है और अगर आपका गोल फिक्स है तो हर एक दुनिया का जो चैलेंज आपके लिए वो वो स्टेपिंग स्टोन है है सीखने का जरिया है। मुझको तो ट्रेनर बनना था मुझको तो कोच बनना था मुझको तो ग्राफोलॉजी लोगों को सिखाना था क्योंकि ग्राफोलॉजी ने मेरे लाइफ में बदलाव किया तो जो भी फेलियर्स मुझको आए पहला पहला आदमी जिसने मेरे को सिखाया नहीं अच्छे से मैंने उससे सीखा कि मैं जिनको सिखाऊंगा उसको दिल से सिखाऊंगा उनको पूरा नॉलेज दूंगा और उनको सक्षम बनाऊंगा वहां से मैंने ये सीखा

हाउ मेनी ऑफ यू लाइक कंटेंट अच्छा था शेयरिंग अच्छा था करेक्ट पसंद मैत्री जी आपको आया पायल जी आपको चंदी का चित्रेखा जी तो ये क्यों आया क्योंकि मैंने शपथ ली कि इसके बाद जब भी मैं किसी से पैसे लूंगा उससे ज्यादा वैल्यू दूंगा क्यों क्योंकि मेरा किसी ने साढ़े तीन लाख रुपया धोखा दिया ना मुझको तो सो दैट वाज द वे आई लर्न द लेसन तो ये ऐसे ही होगा कि अगर आपने गोल डिसाइड किया अपने लाइफ में कि ये मुझको अचीव करना है तो जो भी आपके लाइफ में होगा वो आपको सिखाने के लिए होगा कि ये लेसन लो ये लेसन लो ये लेसन लो क्योंकि ये सभी क्वालिटीज जरूरी है आपको सुप्रीम पावर बनने के लिए अंडरस्टूड स्मॉल टाउन इज एक्सक्यूज पेरेंट्स इलिटरेट पैरेंट्स एक्सक्यूज स्मॉल टाउन एक्सक्यूज इंग्लिश मेरे को इंग्लिश बोलना नहीं आता था एक्सक्यूज

कैसे करना है ऑनलाइन ऑफलाइन करते थे दस लोग नहीं आते थे एक आदमी आता के लिए। एक था एक इंसान आता था दो इंसान आता था मेरे पास तीन लोगों में सिखा रहा हूँ दो दो -ती -ती तीन तीन घंटा और वो भी हजार डेढ़ हजार रुपए में एक्सक्यूज है कि नहीं वो लोग नहीं आते लोग पैसे नहीं देते मनी यू लर्न हाउ टू सेल मेरा गांव छोटा है यू लर्न हाउ टू गो आउट ऑफ द टाउन आई आई एम गोइंग आउट ऑफ द माई टाउन मैं जहाँ ये जगह छोटी मेरा घर छोटा है मैं घर के बाहर धंधा करता हूँ मेरी बीवी मुझको पैसे नहीं देगी मैं घर के बाहर वाले लोगों को बेचता हूँ तो ये आपको सीखना है तो अपनी लाइफ चेंज करने के लिए सीखो और ये जो एटीट्यूड का बात है ना वो एटीट्यूड भी आप ग्राफोलॉजी से बहुत इजीली चेंज कर पाओगे

मेरी वाइफ को तो एक करोड़ रुपया मिल जाएगा टर्म इंश्योरेंस का लेकिन आपको तो पैसे नहीं मिलेगा तो बेहतर है आप मुझको जीने दो मैं आपके पैसे लौटाता तो आज उन लोगों के साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशन भी अभी भी आफ्टर लिविंग दैट बिजनेस एज वेल मैंने उनके सबके पैसे डेढ़ दो साल में वापस कर दिए कमा के तो वट आई एम ट्राइंग टू से कि मैंने अगर मैं एक्सक्यूज देता तो आज मैं शायद जीवित ही ना होता आप लोगों के सामने सो मच ऑफ इश्यूज हर घर हर रोज मेरे घर पे लोग पैसे मांगने के लिए आते थे फिर क्रिएट करके बिल्स पर्सनल लोन के बिल्स मतलब मेरी वाइफ हर रोज रोती थी एवरी सिंगल डे शी डेज टू क्राई कि मेरे कैसे आदमी के साथ शादी हो गया क्या होगा मेरा बिकॉज शी इज फ्रॉम वेरी वेरी स्मॉल फैमिली अगेन तो मैंने बोला देख उसको उसको इज्जत इज्जत का डर लगता कि सोसाइटी में लोग ना मैं बोला देखो सोसाइटी में आज लोग बुरा बोलेंगे कल को मर्सिडीज जब घर के आगे सामने खड़ी कर देंगे तो वही लोग अच्छा बोलेंगे वी आर गोइंग टू बाय मर्सिडीज इन विद इन टू मंथ्स ना ये तो टेम्पररी है ना सभी चीजें वॉट इज परमानेंट इज वॉट आर यू आप किस मिट्टी से बने वो परमानेंट है और कितने उस मिट्टी को आप स्ट्रॉन्ग करने की इच्छा रखते हो वो परमानें उस मिट्टी को और करते और करते करते जाओ जाओ दुनिया की हर एक चीज आपके लिए बनी है आपको मदद करने के लिए बनी है और आपको बड़ा बनाने के लिए बड़ा बनाने के लिए बनी है क्या आप रेडी हो इतना बड़ा बनने के लिए माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट यू आर रेडी

क्योंकि आप यहाँ पे जितना डालोगे ना उसके जो रिटर्न है वो हंड्रेड टाइम्स ज्यादा है मैंने दस लाख रुपया खर्चा किया था टू से लेकर टू तक दस बारह लाख रुपए मैंने खर्चा किया खुद की लर्निंग के लिए हाउ टू डू बिजनेस और आज हम लोग महीने का दस लाख को क्रॉस करते हैं एज ए इनकम ये सिर्फ यहाँ पे है सब डाला हुआ और जो यहाँ पे डालता है वही आप में से कितने लोग हैं जो पांच हजार का साड़ी यूज करते हैं पांच हजार का ड्रेस यूज करते हैं

कि जितना मैं पैसा खुद की डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करूंगा उतना मैं ग्रोऊंगा क्या हर बार मुझको अच्छा कुछ मिलता है अच्छा अच्छा सब्जेक्ट मिलता है नहीं नॉट एवरी टाइम बट द मनी हाउ आई नो कि अच्छा है कि बुरा है तो कहीं ना कहीं तो लेना ही पड़ेगा एनी मोर क्वेश्चन